नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया और आप देख रहे हैं सोशल सेलर एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बेस्ट ऑनलाइन कोरियर कंपनी कौन सी है, जिससे आप सबसे कम रेट में कैश ऑन डिलीवरी में और सबसे एफिशिएंटली अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन कोरियर भेज सकते हो। तो इस वीडियो में कोई इंट्रो नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको मेन कॉन्टेंट की तरफ ले जा रहा हूँ और अपना पर्टिकुलरली पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं पिछले 4 साल से ई कॉमर्स कोरियर के साथ काम कर रहा हूँ। जब कैश ऑन डिलीवरी नहीं आया था तो हम प्री पेमेंट में काम करते थे। जब लोकल कोरियर्स जैसे DTDC, मारुति कोरियर, तिरुपति कोरियर, इनके साथ प्रोडक्ट भेजते थे। फिर धीरे से कैश ऑन डिलीवरी का जमाना आ गया, कैश ऑन डिलीवरी की ऑनलाइन सर्विसेज भी आ गई। तब FedEx डिलीवरी, ईकॉम एक्सप्रेस, शेडोफैक्स, ऐसी कंपनीज धीरे से आ गई। लेकिन इसके बाद एग्रीगेटर्स आ गए। एग्रीगेटर्स क्या करते थे, जितनी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है उनको एग्रीगेट करके अपने पास रखते थे और बेसिकली वो आपको एक ऑनलाइन डैशबोर्ड देते हैं जिससे आप ऑनलाइन कोरियर प्लेस कर सकते हो, या फिर उनके डैशबोर्ड के थ्रू आप अपनी वेबसाइट से ऑटोमेटेड कोरियर कर सकते हो। मतलब आपके वेबसाइट में अगर कोई भी ऑर्डर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली इस पैनल पे लग जाएगा, उनके डैशबोर्ड पे लग जाएगा। और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स आपको कंपेयर करके बताते हैं कि कौन सी कंपनी या कौन सी लॉजिस्टिक सर्विस उस पर्टिकुलर पिन कोड में लोएस्ट प्राइस में आपको शिपिंग दे रही है। तो ये बेसिकली बहुत सारी एग्रीगेटर कंपनीज आ गई, जैसे शिप रॉकेट है, शिप लाइट है, पिकर है, आई थिंक लॉजिस्टिक्स है। तो इन सारी कंपनियों के साथ हमने काम किया है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और समझे हैं कि आज की डेट में बेस्ट कुरियर सर्विस कौन सी है। इनफैक्ट इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है जिसको लाखों लोगों ने देखा है, लाखों लोगों ने अप्रिशिएट किया है। अब सबसे पहले मैं आपको पेन पॉइंट्स बताता हूँ, दिक्कतें बताता हूँ कि कहाँ पे आती है। सबसे पहली दिक्कत है प्राइस में। आज की डेट में ज्यादातर लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म्स एक मिसलीडिंग प्राइस दिखाती है। वो दिखाएंगे कि 30-40 रुपए में आप कुरियर कर सकते हो, बट जब आप एक्चुअल में कुरियर लगाने जाते हो तो आपको लगता है 100-150 रुपए। सेकेंड इशू आती है वेट डिस्क्रिपेंसी में। जब भी आप ऑनलाइन कुरियर करते हो तो आपको बेसिकली प्रोडक्ट का वॉल्यूम, जो उसका डायमेंशन होता है, वो इनपुट करना पड़ता है ताकि आगे कंपनी समझे कि आपका टोटल वॉल्यूम कितना है, उसके हिसाब से आपका प्राइस चार्ज होता है। और कुछ कंपनी ऐसे जानबूझ के करती है, जैसे आपने सही तरीके से उसका वेट मेंशन किया है फिर भी कंपनी आपके अगेंस्ट वेट डिस्क्रिपेंसी इशू करती है और उसके कारण आपको ज्यादा पैसा देना पड़ जाता है उस कुरियर का। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिलीवरी सर्विस की। ज्यादातर ऑनलाइन कुरियर्स इंडिया में हर जगह डिलीवर नहीं कर पाते, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में या फिर जो थर्ड टायर सिटीज है वहां डिलीवर नहीं कर पाते और उसके कारण आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ जाता है या फिर आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ जाता है शिपिंग का। और चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कस्टमर केयर सपोर्ट की। ऐसी ज्यादातर ऑनलाइन कुरियर कंपनीज के पास कस्टमर सपोर्ट का नंबर नहीं होता, होता भी है तो वो फोन नहीं उठाते हैं। तो बेसिकली इंडिया में 4 ऐसी बड़ी कंपनीज है जिनकी सर्विसेज को आप कंपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहली कंपनी शिप रॉकेट है। अगर आप गूगल में जाके ऑनलाइन कुरियर्स इन इंडिया सर्च करोगे तो शायद सबसे पहले लिंक शिप रॉकेट की आएगी। शिप रॉकेट काफी बड़ी कंपनी है, कंपैरेटिवली प्राइसेस लो है और इनफैक्ट अकाउंट ओपन करना भी उसमें काफी इजी है। लेकिन सबसे खराब चीज है उनका पैथेटिक कस्टमर सपोर्ट, वेरी पुअर कस्टमर सपोर्ट। इनफैक्ट आप खाली कोरा में जाके रिव्यूज देख लोगे शिप रॉकेट का, तो इतने सारे लोगों ने आर्टिकल्स लिखा है कि हर किसी को कभी ना कभी प्रॉब्लम आई है और कस्टमर केयर सपोर्ट से उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है। पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे को भी कोई अच्छा सपोर्ट आज तक की शिप रॉकेट से नहीं मिला है। अब मैं आपको अपने अकाउंट पे ले जाके दिखाता हूं। देखिए, ये मेरा अकाउंट है शिप रॉकेट का। आप ऊपर वॉलेट में बैलेंस देखेंगे तो ये -872 रुपीज चल रहा है। जब ये जीरो हुआ था तब मैंने छोड़ दिया था इसको और उसके बाद बेसिकली इन्होंने मेरे ऊपर वेट डिस्क्रिपेंसी लगाई और मेरे वॉलेट को माइनस पे ला दिया, -872। काफी दिनों के बाद मैं ये अकाउंट खोल रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ कि मेन इशू कहाँ पे आता है। आप जब वेट डिस्क्रिपेंसी पे जाओगे, यहाँ पे जाइए, वेट डिस्क्रिपेंसी है, वेट डिस्क्रिपेंसी में आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शूज का मेरे को किसी में 186 रुपीज चार्ज हुआ है, किसी में 286 रुपीज चार्ज हुआ है, किसी में 452 रुपीज चार्ज हुआ है। तो बेसिकली अपने हिसाब से, अपने मन से, मेरे को एक कोरियर का, जो कि आइडियली ज्यादा से ज्यादा एक जूते का कितना कोरियर का चार्ज होगा, ज्यादा से ज्यादा 80 से 100 रुपए, चलो 120 रुपए, इन्होंने मेरे को 452 रुपीज तक के एक शू बॉक्स का चार्ज किया, जितनी मेरी मार्जिन नहीं थी उससे ज्यादा मेरे को कोरियर में चार्ज किया। तो दूसरे नंबर पर पिकर और शिप लाइट, ये कंपनियां हैं। इनका भी मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूं। देखिए, मेरा अकाउंट बना हुआ है, शिप लाइट पे हमारा अकाउंट है, देखिए पिकर है, पिकर में हमारा अकाउंट है। बेसिकली दोनों काफी सिमिलर कंपनीज है। शिप लाइट की मैं बात करूं तो बेसिकली इसमें भी ये प्रोसेस है कि आपको 2000 रुपए पहले देना पड़ता है अपना अकाउंट खोलने के लिए और उसके बाद सिंपली आप ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी उनकी उतनी ज्यादा एडवांस नहीं है। पिकर भी ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही है, अकाउंट ओपन करने पे आपको पैसा लगता है। इनफैक्ट अगर पैसा नहीं भी लगता है तो इसमें सबसे बेकार चीज ये है कि जो भी आप कोरियर प्लेस करते हो वो ऑटोमेटिकली कोरियर कंपनी को असाइन हो जाता है और रेंडम कोरियर कंपनी को असाइन हो जाता है। जैसे मुझे पता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में डिलीवरी अच्छा काम नहीं करती और मेरे को FedEx से भेजना है, तो यहाँ पे मैं चूज नहीं कर सकता मुझे FedEx से भेजना है कि नहीं भेजना है।
तो ये ऑटोमेटिक होता है बेसिकली, जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस किया वैसे ही मेरी स्लिप क्रिएट हो जाती है। इसलिए बेसिकली कोई भी एक्सपर्ट ऑनलाइन सेलर्स है वो इन कंपनी के साथ जाना नहीं प्रेफर करते, क्योंकि थोड़ी सी अनप्रोफेशनलिज्म आ जाती है। अगर आप कोरा खोल के देख लो तो लोग दोनों सर्विस से बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड है। तीसरी कंपनी जो काफी अच्छा काम कर रही है, अच्छा वर्क है जिसका, वो है आई थिंक लॉजिस्टिक्स। अभी हम करेंटली हमारे जितने भी शिपमेंट है वो आई थिंक लॉजिस्टिक्स से निकाल रहे हैं। आई थिंक थोड़ी सी मैच्योर कंपनी है, स्मार्ट लॉजिस्टिक कंपनी है। इनिशियली आपको प्राइजेस थोड़े से हाई लगेंगे, बट आप अगर लॉन्ग रन में देखेंगे तो आपके प्राइजेस बचेंगे। सबसे बेस्ट चीज ये है कि प्राइजेस जेन्युइन है, मिसलीडिंग नहीं है। कंपनी की सर्विस बहुत अच्छी है, उस हिसाब से उनका प्राइस अच्छा है। मैं इस कंपनी को इसलिए प्रिफर करता हूँ क्योंकि मेरा जो टोटल आरटीओ था, जो रिटर्न था, जो कस्टमर नहीं पिक करते थे, वो जो रिटर्न आ जाता था वो 30% कम हो गया। और वो इसलिए क्योंकि इनके पास एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। इन लोग 6 बार 6 टच पॉइंट रखते हैं। जैसे कोई भी कस्टमर अगर सपोज प्रोडक्ट रिसीव नहीं किया तो 3 बार इनके पास आईवीआर से कॉल चले जाता है कस्टमर के पास। उसके बाद भी अगर कस्टमर रिसीव नहीं किया तो व्हाट्सएप मैसेज चले जाता है, टेक्स्ट मैसेज चले जाता है, और फिर टेक्स्ट मैसेज के बाद भी अगर कस्टमर प्रोडक्ट रिसीव नहीं करता है तो इन लोग एक बार मैन्युअली कॉल करके कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं, बेसिकली पर्सुएट करते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर प्रोडक्ट ले लेते हैं, और उसके अलावा जब आप देखोगे इनका सिस्टम पूरा तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी लगेगी। इन्होंने AI टेक्नोलॉजी का यूज किया है जिससे ये ऑटोमेटिक रिकमेंड करते हैं आपको कि कौन सा कोरियर पार्टनर आपके लिए सही रहेगा। बेसिकली जब भी आप कोई लोकेशन डालते हो कि इस XYZ लोकेशन में मुझे सेंड करना है, तो ये रिकमेंड करते हैं कि इस कोरियर के साथ कीजिए, ये कोरियर ज्यादा बेटर रहेगा। भले इसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, बट प्रीमियम सर्विस है। इससे हमारा वेट डिस्प्यूट कम हुआ, RTOs कम हुए, तो उसके कारण हमारा जो ओवरऑल जो हमारा रेवेन्यू था वो इंक्रीज हुआ। कोरियर में जितना इन्वेस्ट करते थे हम, जितना पैसा डालते थे, अब उतना डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो एक बार मैं आपको फटाक से इसका प्रोडक्ट का डेमो दिखाता हूँ। देखिए ये है इनका, इसका पर्टिकुलरली डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने पैन कार्ड का यूज किया था, एक कैंसल्ड चेक लगा था, मेरा आधार कार्ड लगा था, एंड इसके बाद सिंपली मेरे को अपना अकाउंट मिल गया था। तो आप डैशबोर्ड इसका काफी इजी है, आप साइड में देख सकते हैं अभी तक के मैंने कितने कोरियर प्लेस किए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी तक के लाइक 1700 से ज्यादा कोरियर इसके थ्रू अभी प्लेस कर चुके हैं। मेरा अकाउंट है उसमें, अभी आप देख सकते हो 4000 से ज्यादा रुपए ऑलरेडी मेरे वॉलेट पे पड़े हुए हैं। ये मेरी वेबसाइट के साथ इसकी API भी कनेक्टेड है, तो जो जो हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर आता है वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली इस पे लग जाता है। फिर आप नीचे देखिए, आपको दिख जाएगा कौन कौन से आपके RTOs वाले कितने ऑर्डर्स हैं। एंड साइट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट ऑर्डर करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप क्रिएट ऑर्डर में क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे बेसिकली इन्फॉर्मेशन डालने का एक फॉर्म जैसा आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, कस्टमर की, फिर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है उसको डाल दीजिएगा, जो भी आपका वॉल्यूम है प्रोडक्ट का वो डाल दीजिए। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं कि आप रीसेलर है कि नहीं, तो जो जो रीसेल करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। यहाँ पे सिंपली अपना रीसेलर नाम लिख दीजिए तो जो भी रिसीट है उसमें आपका नाम जाएगा। एंड सिंपली राइट हैंड साइड से आप चूज कर लीजिए कि कौन सा कोरियर के साथ आपको भेजना है। मैं जनरली फेडेक्स और ब्लू डार्ट यूज करता हूँ, दोनों की जो सर्विस है वो काफी अच्छी है। तो ये सारी चीज आपको मिलती है थोड़े से एक्स्ट्रा प्राइस में, ज्यादा बेटर सर्विस मिलती है। और मैं मानता हूँ कि अगर आप ज्यादा अच्छी सर्विस के साथ जाते हैं तो आपका लॉन्ग रन में आपको ये सस्ता ही पड़ेगा, क्योंकि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। और ई कॉमर्स में आपको पता ही है कि भाई जितनी अच्छी आप सर्विस दोगे उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। तो अब हम वीडियो के कंक्लूजन में आते हैं कि भाई अगर आप ऑनलाइन कोरियर अभी अभी जस्ट शुरू कर रहे हो और खाली प्रीपेड में कर रहे हो तो मैं बोलूंगा लोकल कोरियर पे जाओ। इवन आप कैश ऑन डिलीवरी पे भी जा रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि जो स्मॉल लेवल एग्रीगेटर सर्विसेज है उसके साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल सर्विस चाहिए, अच्छी सर्विस चाहिए, तो आप आई थिंक के साथ जा सकते हो। ये काफी अच्छी कंपनी है। इनफैक्ट अगर आपको अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट भी करना है या मोबाइल ऐप के साथ इंटीग्रेट करना है तो आई थिंक लॉजिस्टिक को कंसिडर कर सकते हो। जेन्युइनली ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि मैं आई थिंक के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप बड़े लेवल पे ऑनलाइन कोरियर का काम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा बल्क लेवल में कोरियर निकल रहे हैं, मतलब दिन के 2 से 4 हजार के बीच में कोरियर निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस आ रहा है आपको कोरियर का, तो आप डायरेक्टली कोरियर कंपनी की APIs इंटीग्रेट कर सकते हो। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं है, आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर रहे हो, सोशल कॉमर्स में हो, सोशल मीडिया के थ्रू बेच रहे हो, अपनी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हो, या फिर किसी भी यू नो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच रहे हो, तो मुझे लगता है कि अभी आई थिंक की सर्विस बहुत अच्छी चल रही है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई होप आप जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आप सभी को बताई वो आपको सही लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।